दशहरे के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंधियारी बाग रामलीला मैदान में जाएंगे और भगवान राम का रास तिलक करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शोभा यात्रा निकालने के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। आपको बता दें, मानसरोवर मंदिर के पास स्थित अंधियारी बाग रामलीला मैदान में रामलीला के आखिरी दिन गोरक्षपीठ के महंत द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक करने की परंपरा रही है। महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में पहुंचेंगे और श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को जिले की आला अधिकारियों द्वारा गोरखनाथ मंदिर स्थित कुछ आश्रम में पुलिस के जवानों को बीफ करने के पश्चात शोभा यात्रा के रूटों पर पुलिस के जवानों के साथ रिहर्सल भी किया गया। गौरतलब है कि राज्याभिषेक के लिए निकलने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में शिव की पूजा करेंगे। इसके बाद तिलक हॉल में श्रद्धालुओं द्वारा उनका तिलक किया जाएगा। वहां से वह रथ पर सवार होकर पहले मानसरोवर मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। यहां से रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि सीएम की सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सुरक्षा दस्ता भी उनके साथ मुस्तैद रहेगी। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के रास्ते में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गलियों और छतों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। ड्रोन कैमरे से भी शोभा यात्रा मार्ग की निगरानी की जाएगी। शोभा यात्रा की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों को ब्रीफिंग के दौरान डीआईजी राजेश डी मोदक, एसएसपी जोगिंदर कुमार, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, एक बजे की आप लोगों की खड़ी होगी कल 12 बजे। हाँ, तो 12 बजे खड़ी होगी ड्यूटी। 1 बजे तक आप ब्रीफिंग कर लें अपने अधीनस्थों की, सबकी 12 बजे ड्यूटी खड़ी होगी। सेट के माध्यम से ब्रीफिंग रहेगा, तो ब्रीफिंग का टाइम आपको सेट से बताया जाएगा क्या टाइम रहेगा। अधिकारियों से सभी लोग सेट को चल कर रहेंगे, यही समस्या आ रही है। और किसी विभाग से रिलेटेड दिक्कत तो कोई बता देता है कि हम समझ विभाग को जानकारी दे सके। जितने आपके दोस्त रहे आपके पास और हिम्मत लगा के पूरी करने की स्थिति घर में आप पर थोड़ा नहीं लगा के सब पता है। सीए की ड्यूटी 25+20 करके 65 जोड़ रहे हैं, अगर उसमें आपको से 99% लोग जोड़ रखे हैं तो कैसा होगा उसका आवश्यक हमें घूम। अगर किसी को हैंडसेट नहीं है अभी तो अभी यहाँ से छूटने के बाद अवश्य जाएगा। 6 नंबर पर भी कल मिल जाएंगे, अभी भी 6 नंबर पर ध्यान रखें। अभी आप सभी लोग जा किसी के अपने यूनिफॉर्म पकड़े हैं अलग अलग। शोभा यात्रा और विसर्जन को देखते हुए हर जगह आवश्यक ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और लोगों को ब्रीफ भी किया गया है, और जहां कहीं भी किसी को आवश्यकता होगी पुलिस सहयोग करेगी तत्काल। बाहर से भी फोर्स आई है और लखनऊ से भी स्पेशलाइज फोर्सेज आई हैं, वो भी लगेंगे इसमें। सभी कुछ यूज़ किया जाएगा, हर टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा।